हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शिवांगी एजुकेशन में। और आज का अपना टॉपिक है पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस। ठीक है दोस्तों, लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें फ्लावर्स के पार्ट पता होने चाहिए। तो देखो, फ्लावर्स में सबसे पहला पार्ट कौन आता है? थैलेमस। और मेन कौन कौन से पार्ट हैं? सेपल्स यानी कि कैलेक्स, उसके बाद है पेटल्स यानी कि कोरोला, देन उसके बाद है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का दूसरा नाम है स्टेमन। और एंड्रोसियम के दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। देन उसके बाद है गाइनोसियम। गाइनोसियम को कार्पल और पिस्टल भी कहते हैं, और इसके तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओबरी। ठीक है दोस्तों, तो हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइपोगाइनस। ठीक है दोस्तों, तो हम हाइपोगाइनस में पढ़ते हैं, ये होता है थैलेमस। तो देखो, हाइपोगाइनस फ्लावर में थैलेमस का ऊपरी भाग, ये क्या है? ऊपरी भाग। थैलेमस का ऊपरी भाग थोड़ा सा सूजा हुआ होता है। सूजा हुआ मतलब फूला हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, कैसे होता है ये? सूजा हुआ होता है, सूजा हुआ मतलब फूला हुआ होता है। कैसी आकार की होती है इसकी? ये डिस्क जैसी एक तकिया बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों? ये डिस्क जैसी एक तकिया बनाती है, और इसमें कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोसियम ओवरी है, ये जो ओवरी है इसके नीचे से निकलते हैं। कौन कौन निकलते हैं? कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोसियम ओवरी के नीचे से निकलते हैं, यानी कि यहाँ से उत्पन्न होते हैं। और इसमें जो ओवरी है वो कैसी होती है? सुपीरियर होती है। ध्यान रखना दोस्तों, ओवरी कैसी होती है? सुपीरियर होती है। लेकिन फ्लावर के दूसरे पार्ट इसमें कैसे होते हैं? इन्फीरियर होते हैं। ओवरी सुपीरियर होती है, लेकिन कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोसियम कैसे होते हैं? इन्फीरियर होते हैं। और इसमें गाइनोसियम थैलेमस के, ये जो गाइनोसियम है ये पूरी, ये थैलेमस के टॉप यानी कि शीर्ष पर होता है, और इसमें ओवरी की जो दीवार है, ये ओवरी की जो ये दीवार है, ये थैलेमस के साथ फ्यूज्ड नहीं होता। ठीक है दोस्तों, और इसका एग्जांपल है सिट्रस और ब्रैसिका, और भी हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल पता चल गया, सिट्रस और ब्रैसिका। ठीक है दोस्तों, ये था हाइपोगाइनस। अब हम पढ़ेंगे पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में क्या होगा? इसमें ये जो थैलेमस है, ये नीले रंग का क्या है? थैलेमस है। इसमें थैलेमस का ऊपरी भाग डिस्क के आकार का होता है। कैसा होता है दोस्तों? डिस्क के आकार का होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पेरीगाइनस फ्लावर में इसमें क्या होता है? थैलेमस का ऊपरी भाग, ये थैलेमस है, थैलेमस का ऊपरी भाग डिस्क के आकार का होता है। और देखो ये कप बन रहा है ना, तो कप के आकार का भी होता है और फ्लास्क के आकार का भी होता है। फ्लास्क मीन्स कुप्पी के आकार के भी होता है। कैसे आकार का होता है दोस्तों? डिस्क के आकार का भी होता है, कप के आकार का भी होता है और कुप्पी के आकार का भी ये होता है। और इसमें ये कैलेक्स है, कोरोला और एंड्रोसियम, ये ओवरी है। इसमें जो कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोसियम है वो ओवरी के पास से ही निकलते हैं, ओवरी के पास से ही निकलते हैं, ओवरी के नीचे से नहीं निकलते। ठीक है दोस्तों, ये देखो, ये सारी चीज़ें कहाँ से निकल रही है? ओवरी के पास से ही निकल रही है, ओवरी के नीचे से नहीं निकल रही है। ध्यान रखना दोस्तों, इसमें ओवरी कैसी होती है? हाफ सुपीरियर होती है। कैसी होती है दोस्तों ओवरी? हाफ सुपीरियर होती है। ठीक है दोस्तों, पेरीगाइनस पता चल गया। अब हम बात करेंगे एपीगाइनस की। एपीगाइनस के केस में इसमें जो थैलेमस है, ये देखो, ये जो बड़ा सा पार्ट है ये क्या है? थैलेमस है, नीले रंग का, ये क्या है? थैलेमस है। इसमें थैलेमस का ऊपरी भाग ज़्यादातर कैसा होता है? फ्लास्क के आकार का होता है। फ्लास्क मीन्स कुप्पी के आकार का होता है और ट्यूबुलर के आकार का होता है। ठीक है दोस्तों, एपीगाइनस फ्लावर में इसमें थैलेमस का ऊपरी भाग ज़्यादातर फ्लास्क के आकार का होता है और ट्यूबुलर के आकार का होता है। इसमें कैलेक्स, कोरोला
और एंड्रोसियम थैलेमस के, ये थैलेमस है, इसमें कैलेक्स कोरोला और एंड्रोसियम थैलेमस के ऊपरी भाग से ही निकलते हैं, और इसमें जो ओवरी होती है वो इन्फीरियर होती है। कैसी होती है दोस्तों? ओवरी इन्फीरियर होती है, लेकिन फ्लावर के दूसरे पार्ट्स जो कैलेक्स कोरोला और एंड्रोसियम है वो कैसे होते हैं? सुपीरियर होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका एग्जाम्पल है एप्पल। ठीक है दोस्तों, हाइपोगाइनस में ओवरी सुपीरियर होती है, लेकिन इसके अंदर फ्लावर के दूसरे पार्ट इन्फीरियर होते हैं। पेरीगाइनस में ओवरी हाफ सुपीरियर होती है। ठीक है दोस्तों, और एपीगाइनस में जो ओवरी है वो इन्फीरियर होती है, लेकिन इसके दूसरे पार्ट्स कैसे होते हैं? सुपीरियर होती हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।